प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज की जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नॉट द फेज जिसमें कि पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के जर्नल K2 मूवमेंट को रीस्टार्ट करें, कश्मीर खालिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश करें, बिकॉज वो फिर देन मामले को काफी साउथ ले जाता है, काफी गड़बड़ा जाता है मामला। जब सिविलियन कैजुअल्टीज होती हैं जावेरी बाजार में, इधर उधर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, फिर वो एक फेज था इंडियन मुजाहिदीन का सो कॉल्ड, इसमें हमारे सारे शहरों में बम फट रहे थे। अब ज्यादातर स्टेबलाइज हो गया है, सो आई थिंक देयर आर होपफुल साइंस। जो सीज फायर है पाकिस्तान के साथ वो अभी तक कायम, बाजवा साहब के टाइम में सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आया था। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग मी हु फेल्ट कि भाई जब तक टेररिज्म बंद नहीं होती ये हमको नहीं देना चाहिए ये कंसेशन पाकिस्तान को, बट वो अभी तक कायम है। That means both sides पे एक thinking है कि साहब let's call it quits, you leave us alone, we leave you alone, you leave us alone, we leave you alone. That definitely would be a sane mantra to follow. And the lesson that Pakistan must learn from Ukraine is never to rent your territory out for extra regional powers. वो अपने उल्लू सीधा करेंगे, वो आपकी कोई मतलब they are not concerned about what the people of Pakistan go through. You see, it's the least of their concerns. बिल्कुल ऐसा ही है। तो रूस यूक्रेन के मामले में fight till the last Ukrainian. सर ऐसा ही है, लेकिन सर इस वक्त अगर मैं यहाँ से देखूं तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या एजेंसीज और फौज है वो एक तरह से बैकफुट पे दिखाई देती है, क्योंकि पब्लिक बहुत अगेंस्ट हो गई है इमरान खान के बाद से, जो है लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया, कोई नहीं डर रहा। पहले तो दो चार लोग होते थे जो हमें मीडिया में बात करते हुए या हिम्मत करते दिखाई देते थे, लेकिन अब वो लोग बहुत ज्यादा नंबर में हो गए और इसीलिए शायद इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि अब कंट्रोल कैसे करें। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच में टेंशन बढ़ी और अटैक्स हुए, मैं हरगिज हमास का साथ नहीं देती, लेकिन ये है कि उसने जितने भी लोग मारे थे उसके बाद जब इसराइल ने अटैक शुरू किए तो बताया जा रहा है कई हजार में वहां पर लोगों की जाने गई हैं। Exactly. तो सर कहीं ना कहीं इस चीज को रुक नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल जो हमास की साइड है अब अमेरिका दबाव डाल रहा है कि हमास के ऊपर जो बॉम्बिंग और जो वहां पे गाजा में हो रहा है वो बंद हो, लेकिन अब कुछ आसार दिख रहे हैं कि ईरान लेबनान की तरफ, सॉरी इजराइल लेबनान की तरफ बढ़े। दूसरा जो अभी एक ईरानियन जनरल वहां मारा है सीरिया में, उससे फिर टेंशन बढ़ेंगी और ईरान और अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो गया तो साहब ये ना सिर्फ रीजन के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बड़ी तबाही की चीज होगी। लेकिन एक चीज जो आपने कही, मैं उसको आई जस्ट लाइक टू एलैबोरेट। द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान फर्स्टली and for India and Pakistan would be if democracy takes deep roots in Pakistan. Definitely. Happiest outcome, democracies don't fight. You know, totalitarian and democratic states do fight. ये मैं समझता हूँ, अगर ये जो पाकिस्तान में हमको बहुत वेलकम चीज दिख रही है कि पाकिस्तान की आवाम has found its voice. वो भी परेशान हो गए हैं, जिसको दो रोज रोटी नहीं मिल रही उसको हक है कि साहब वो अब चिल्लाए, एंड वो चिल्लाना शुरू हो गया है जो नहीं देखा था हमने पाकिस्तान में पहले। आई होप ट्रू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस टेक रूट इन पाकिस्तान। हम लोग एक ही नस्ल है हमारी, और हमारी जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं
दे गो बैक टू मोहिंजोदाड़ो एंड हड़प्पा, उस टाइम से भी इलेक्टेड सभाज और समिति इस टाइप जो है ये इस टाइप की डेमोक्रेटिक वहां पे है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें मोहिंजोदारो का, इगैलिटेरियन है, कोई बड़े बड़े महल नहीं है वहां पे कि जो वर्किंग क्लास बड़े महल राजाओं के लिए बना रही है, वो नहीं, काफी बराबरी सी थी। तो इट वॉज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम देन, डेमोक्रेसी इज इन आवर जीन्स, आपके जीन्स में मेरे जीन्स में डेमोक्रेसी है, हमें अंग्रेजों से डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन सर एक चीज और बड़ी अच्छी हुई है, सर एक चीज और बड़ी अच्छी हुई है, वो ये कि पाकिस्तान में लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानना छोड़ दिया है। वो नहीं कहते, वो कहते नहीं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये कहना शुरू कर दिया, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। मैं ऑन द लाइटर वेन जब मैं आपको बताता हूँ, जब ये यूक्रेन रशिया की लड़ाई शुरू हुई तो जो मिलिट्री अटैशी हैं यहाँ पे रूस के, वो मेरे से मिलने आए एक दिन, क्योंकि मैं एडिटर हूँ इंडियन मिलिट्री रिव्यू का और वो मेरे व्यूज जानना चाहते थे इसके बारे में। तो मैंने कहा कि साहब आप वैसे नहीं लड़ रहे जैसे कि रशियंस को हम लड़ते देखते हैं। तो उन्होंने बोला साहब ये हमारे कजन ये हमारे स्लाव कजन है, हम इनको ज्यादा नहीं मार दर्द पहुंचाना चाहते। मैंने कहा मेरे भाई ये बड़ी सैड चीज है, लेकिन कजन में जो लड़ाइयां होती हैं वो सबसे बुरी होती है। इंडिया पाकिस्तान भी हम लोग कजन्स हैं और देखिए हम कैसे लड़ते आए हैं, कैसे बुरी तरह से हम लोग एक दूसरे से लड़े हैं, एक दूसरे का नुकसान किया है। महाभारत भी कजन्स के बीच में था। तो मैंने कहा कि ये कजन्स को तो वो छोड़ दें, ये जो कजन्स में भी अकल तब आती है जब काफी देर हो चुकी होती है। महाभारत की लड़ाई जब खत्म हो गई तब अकल आ गई शांति की सबको, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस अगर आपके वहां रूट्स ले ले, देन यू विल फाइंड अ सी चेंज इन द इंडिया पाकिस्तान इक्वेशन, यू विल फाइंड अ सी चेंज, पीपल टू पीपल वी हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं जब भी अमेरिका गया हूँ या यूरोप गया हूँ, लंदन गया हूँ, कोई भी पाकिस्तानी आपके वहां शहरी मेरे को मिले, बड़े ही बहुत ही बेतकल्लुफी से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। And you mean you are, you know, it is so surprising then to, मैं अब लंदन में था तो एक वहाँ शादी मेरे ब्रदर इन लॉ की हो रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी मूल के वो लोग तो अब बिल्कुल साथ रहते हैं, वो तो बिल्कुल फ्रेंड्स हैं। तो वो शादी पे आई हुई थी तो उन्होंने कहा क्या आप हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे, आप तो बहुत नाराज रहते हैं पाकिस्तान से, आप टीवी पे ये बोलते। तो मैंने कहा वो सब टीवी के लिए है। Between people, we have people to people. I am very clear. We have no problems. We have the same culture, तहजीब, वो सारी चीज वही है। मेरे फादर साहब मुझे लाहौर की किस्से सुनाते थे, वो लाहौर के फोमन क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े थे, जितनी नॉस्टैल्जिया के साथ वो लाहौर को याद करते थे, मतलब it was amazing. और शायद उनका सबसे बड़ा एक था to go back and see his college, which he couldn't, but people to people we have no problem, and if democracy takes root both the sides, aapki side hamari side to hai hi, aapki side bhi jab wo pakki strong ho jayegi aap dekhenge ye problems khatam ho jayenge। Bilkul aisa hi sir, mere ghar mein bhi hamesha Delhi aur Prayagraj jo pehle Allahabad tha uska hi mahol raha, wahi language rahi, mere father hamesha usi tarah se, balki mujhe kadvi Allahabadi bolte the to wo kyunki kada se the। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ अभी तक चलता है और शायद इसीलिए मैं बहुत से हिंदी वर्ड्स भी पिक कर लेती हूँ जब डिबेट्स में जाती हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया और आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी के सवाल और जीडी बख्शी साहब के दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आएंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे जीडी बख्शी साहब ने ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात की बल्कि पाकिस्तान को अच्छी नसीहत भी दी कि पाकिस्तान जो है वो कैसे बेवकूफ बन रहा है और अमेरिका बहादुर कैसे अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जो कि वो हर एक देश के साथ करता है, जैसे कि वो आजकल यूक्रेन के साथ कर रहा है। और जैसे कि जीडी बख्शी साहब ने कहा कि जैसे रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं और भारत और पाकिस्तान भी कई दशकों से आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत महाभारत का एग्जांपल दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।